यहाँ पे जो है ना वीज़ा सेंटर बना हुआ है इस्तांबुल के जो है एयरपोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे इमिग्रेशन पे ना मेरे को काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे थे, बट मेरे को गेट नंबर 7 पे जाना है और अभी गेट नंबर 3 आया है। €2 सर, यहाँ पे कोई आता है और वीज़ा अप्लाई करता है तो उनको भी वीज़ा वगैरह दे देते हैं या नहीं देते हैं? जो भी अपॉइंटमेंट्स थी वो मिल नहीं रही थी, तो कैसे किस तरीके से आप VFS से अपॉइंटमेंट ले सकते हो किस? हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमन और ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये जो ब्लॉग है थोड़ा टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज है 16th of September और ये जो ब्लॉग मैं बनाऊंगा ये मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे बना रहा हूँ, जो कि मेरा यूरोप का ट्रिप रहेगा। और मेरा जो है शेंगन वीज़ा अप्रूव्ड होकर के आया था, और मेरे पास 30 डेज़ का जो है शेंगन वीज़ा मेरा अप्रूव्ड हुआ था, और जिसमें मैं 27 कंट्रीज़ मेजरली मैं अपना जो है उसको घूम सकता हूँ, बट मैं कुछ ही अपना जो कंट्रीज़ का जो मेरा टूर है वो रहेगा। और इस ट्रिप के अंदर मैं काफ़ी सारे मेजर अट्रैक्शन जो है वो कवर अप करने की कोशिश करूँगा, और साथ के साथ आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके ज़रूर बताऊंगा कि आप शेंगन वीज़ा अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी कंट्री से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो मैंने अपॉइंटमेंट्स है मिल नहीं रही थी जब मैंने वीज़ा अप्लाई करना था, तो फ्रांस का है या स्विट्ज़रलैंड का है, जर्मनी का है, तो इनकी अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई डिमांड पे थी, तो इनकी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो मिल नहीं रही थी। तो कैसे किस तरीके से आप VFS से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाना है, कवरिंग लेटर कैसे अपने रेडी करना है, आइटनरी कैसे रेडी करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके उसके अंदर इस चैनल में डालूंगा। तो अगर आप इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो लाइक करके और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल सके। तो गाइज, इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने जो यूरोप की कंट्रीज जो कवर करनी है, इसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर कोई टूरिस्ट एज अ वहाँ पे घूमने फिरने जा रहा है तो वो कौन कौन सी अपना कंट्रीज जो है कवर अप कर सकता है। सेकेंडली, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हो तो वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। अगर मेरे को वैसे इतना वहाँ का मतलब नॉलेज नहीं है, बट अगर कोई स्टूडेंट कोई इंडियन मिलेगा तो मैं ग्राउंड रियलिटी उनसे पूछ के बताऊंगा कि क्या खर्चा उनका हुआ था, उसके बाद उनको क्या मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या उनका जो एक्सपीरियंस है वो रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एडिशनली सर्विसेज चाहते हैं कवरिंग लेटर में, आइटनरी में, तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप कोई एडिशनल सर्विसेज चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे जो भी अपना आपको हेल्प चाहिए होगी उस टाइम पे। तो गाइज, ये वाला जो ब्लॉग है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा वीज़ा जो है ना काफ़ी टाइम पहले अप्रूव्ड होकर के आ गया था, लेकिन मेरा जो मतलब पिछले महीने आया था, 28-29 तारीख को अप्रूव्ड हो गया था, बट मेरी जो ट्रैवल डेट थी वो 17th of September की थी, और जो मेरी फ़्लाइट है वो है 6:55 AM की मॉर्निंग की, और मैं जो है रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास जो है वो निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो दो लगेज हैं चेक इन के, एक मेरे पास बैग है और दूसरा मेरे पास गैजेट्स वगैरह हैं, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए सिक्योरिटी चेक इन के लिए, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊंगा गाइज। और जो भी मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगा, और जो भी मेरा ट्रैवल का अपना एक्सपीरियंस रहेगा वो तो अपना इस ब्लॉग में करना ही करना है। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली टू इस्तांबुल है, इस्तांबुल से जूरिक है, बीच में एक 3.5 घंटे का ले ओवर है इस्तांबुल में, और उसके बाद फिर अपना जो है जब जूरिक पहुँचेंगे या इस्तांबुल के अपना एयरपोर्ट पे होंगे ट्रांजिट वगैरह करने के लिए, तो जो भी वहाँ पे मैं शूट करूँगा वो भी सारा इस ब्लॉग में करूँगा, और अगर ब्लॉग ज़्यादा बड़ा बनेगा तो इसके पार्ट्स बन जाएंगे, तो वो आप अपना देख लेना, पार्ट्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलती रहेगी। तो गाइज, ये वाला जो ब्लॉग है, ये वाला ब्लॉग काफ़ी अच्छा बनेगा, जितना मतलब कि मैंने पिछले ब्लॉग से चीज़ें सीखी हैं, जो गलतियाँ मैंने की थी या जो चीज़ें अपना मेरे पास शॉर्टेज थी वो मैंने अब सारा कुछ अपना जो है कवर अप कर लिया है। और ये वाला जो ब्लॉग बनेगा ना, ये मतलब कि मैं इसको बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये आप ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी यूरोप के लिए, जो भी कंट्रीज़ मैं अपना टूर लगा आया हूँ, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, तो वो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मेरे से जो है इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं।
तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस, अच्छे से अच्छे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आता रहूँ। हाँ जी, तो गाइस मैं निकल गया हूँ अब एयरपोर्ट के लिए, और टाइम से मैं 2:30 बजे के आसपास निकल गया हूँ। 1 घंटे का रास्ता यहाँ से था और मेरे को तकरीबन 5-10 मिनट हो गए निकले हुए। और बाकी का जो है वहाँ का मैं बताऊँगा, अभी तो मतलब रूट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं, तो टाइम से मैं पहुँच जाऊँगा। और बाकी मैं 2-3 घंटे पहले पहुँच रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास गैजेट्स वगैरह ज़्यादा हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेक इन सिक्योरिटी के लिए मेरे को 2-3 घंटे का टाइम पीरियड चाहिए होगा, कि अगर कुछ मेरे को चेंजेस वगैरह करने हैं बैगेज वगैरह के अंदर या कुछ, तो 3-4 घंटे का मेरे को टाइम पीरियड लेकर के चलना होगा। हालांकि मेरी फ़्लाइट जो है सुबह 7 बजे की है और मैं तकरीबन 3:30 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। अभी भैया क्या टाइम हो रहा है? 2:38 है, तो 3:30 बजे के आसपास जो है मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। तो आई होप सारी अपना जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो स्मूथली हो जाएंगी। अभी जा करके मेरे को पहले जो है बोर्डिंग पास लेना है, क्योंकि मेरा जो फ्लाइट की वेबसाइट है उससे बोर्डिंग पास मेरा जनरेट हो नहीं रहा था, तो 15-20 मिनट वहाँ पे भी लगेंगे, और अगर ज़्यादा रश हुआ तो उस हिसाब से फिर टाइम अपना लेकर के चलना पड़ेगा। तो अभी तक तो रूट वगैरह मतलब कोई ट्रैफिक वगैरह लगा नहीं हुआ, तो रात का टाइम है, इजिली अपना टाइम से पहुंच जाएंगे। तो बाकी आपको मैं अपना रूट वगैरह दिखाता हूँ इस अपना वीडियो में, और बाकी जो शूट है फिर अपना एयरपोर्ट में मैं आगे का शूट करूँगा। हाँ जी गाइस, तो मेरा ना सिक्योरिटी चेक हो गया है। मैं बाहर की फुटेज बना नहीं पाया था, क्योंकि ना एक तो रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, मेरे पास लगेज दो थे और एक मेरे पास जो था ना हैंड बैग था, और मेरे को था कि भाई इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है कि ज़्यादा टाइम ना लग जाए, फिर भी मतलब कि बोर्डिंग पास लेने में और सिक्योरिटी चेक करने में अभी जो टाइम हो गया है 4:30 के आसपास का टाइम हो गया है। तो अब मैंने पूरा सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है, बोर्डिंग पास भी आ गए हैं। अब मैं आपको ना ड्यूटी फ्री जो यहाँ की जो शॉप्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और क्या क्या उनके प्राइजेज हैं जो भी अपना होंगे। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ पे जो वाइन या फिर वो विस्की वगैरह लेते हैं, तो मैं तो नॉन ड्रिंकर हूँ, मैं ड्रिंक वगैरह करता नहीं, तो मैंने कभी यहाँ से परचेज़ की नहीं है ना, वैसे भी परचेज़ नहीं की है। तो बट आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे जो है वो शॉप्स दिखाऊंगा, और उसके जो रेट हैं वो भी मैं इसके अंदर अपना कवर करूँगा, तो ब्लॉग जो है लास्ट तक ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो गाइज इस टाइप की ना कुछ शॉप्स वगैरह मतलब काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई होती हैं, और ऊपर आप देख सकते हो कि 2 का भी ऑफर इन्होंने लगा रखा है। 4490 के अंदर आपको 2 बॉटल्स वगैरह जो है इसकी विस्की की मिल जाएंगी। अलग अलग प्राइस वगैरह लगा रखा है, और काफ़ी ब्रांड्स मतलब कि ना यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जो भी आप अपना जो भी आपको ऑफर अच्छी लगती है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपना बॉटल्स वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो। और इसमें आपको ना इंडियन लिकर और इम्पोर्टेड वगैरह बॉटल्स आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कुछ चीज़ें मतलब कि जो रेगुलर पीते हैं उनको रेट्स वगैरह का आइडिया होता है, मेरे को आइडिया नहीं है कि बाहर क्या रेट है और इंडिया मतलब जो ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं यहाँ का क्या रेट है। ये लगा है वोडका का ब्रांड, आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे को इनका आइडिया नहीं है कौन सा ब्रांड बाहर क्या रेट है, मेरे को कुछ नहीं पता। बट जो है अगर किसी को यहाँ से ड्यूटी फ्री का लेना हो या उनको रेट जो है वो पता चल जाएगा।
और यहाँ पे मोस्टली सभी तरीके की जो है ना वो शॉप्स होती हैं, मतलब परफ्यूम्स वगैरह लेने हैं या आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह लेने हैं, अल्कोहलिक मतलब कोई भी आपको ब्रांड लेना हो, इंपोर्टेड इंडियन वगैरह सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे। इतना सारा स्टॉक है तो एक ब्लॉग में तुम्हें मतलब कवर करने लगूंगा तो होगा ही नहीं। आप देख सकते हो तो अभी ना मैं जा रहा हूँ लॉन्च की तरफ, जो भी यहाँ पे नियर बाय लॉन्च होगा तो वहाँ पे लॉन्च में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा, मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज कर लूँगा और जो कोई डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करना है वो कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरीके के जो है यहाँ पे शोपीस वगैरह, ट्रेडिशनल आइटम्स वगैरह आप कह सकते हो, ये साउथ इंडिया की जो ट्रेडिशनल आइटम्स वगैरह हैं, एंटीक पीस जो है वो भी मिलते हैं। ये जितने भी यहाँ पे शॉप्स हैं ना सारी ड्यूटी फ्री हैं, मॉबला का है, अरमानी का है और विक्टोरिया सीक्रेट है, बेली है, बेली है, जो भी है बॉस। तो यहाँ से आ रहे हैं लॉन्जेस और फूड कोर्ट। मैं जब अभी पिछले महीने आया था ना तो मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट थी, वो इतना मतलब कि बढ़िया नहीं बना हुआ था, टर्मिनल वन से था मेरा और बट इंटरनेशनल ये वाला जो एयरपोर्ट बना है ना बहुत अच्छा बना हुआ है। वो एक ऊपर जो है लॉन्ज है ये वाला, और ब्रांड्स वगैरह देख सकते हो कि सारे हाई क्लास ब्रांड्स हैं सब, पोलो, बॉस, मिशेल, कोच, रेडो, सब तरीके के ब्रांड्स बने हुए हैं यहाँ पे। और ना मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था कि इमिग्रेशन पे ना मेरे को काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो आप। ये फरवरी मार्च में मेरा टूर था उसका सिंगापुर मलेशिया का, तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि आप फरवरी मार्च में कहाँ गए थे। तो जनरली जो वेरिफिकेशन एक नॉर्मली पूछते हैं तो, बट जब मैं सिंगापुर मलेशिया गया था तब इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। नॉर्मली अपना उन्होंने पासपोर्ट लिया, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा सिंगापुर मलेशिया, तो उन्होंने बस सिंपली स्टैंप लगा दी, कह रहे जाओ। तो जब मैंने इन्हें अभी इमिग्रेशन में बताया ना कि हाय, तो मैंने ना उनको बताया कि मैं बिजनेस करता हूँ कंप्यूटर्स का और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, तो कहते हैं आपका वीज़ा तो टूरिज्म है। तो उसमें मैंने बोला यस मैं टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहा हूँ, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं जा रहा। तो गाइज ये आप देख सकते हो मैं अभी आ गया हूँ फूड कोर्ट में, ये जो है ना ऊपर सारा फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे तो मतलब अगर किसी का वीज़ा मास्टर कार्ड या लॉन्च का जो कार्ड जो एक्सेप्टेबल है नहीं बना तो यहाँ पे आके वो फूड जो है एंजॉय कर सकते हैं। बट मेरे पास ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के कार्ड हैं जो कि लॉन्चेस में चलते हैं, प्रीमियम कार्ड हैं, प्रायोरिटी पास भी है मेरे पास जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज़ कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरे दो कार्ड बने हुए हैं प्रायोरिटी पास के अलग अलग बैंक से, और जब भी मैं आता हूँ लॉन्च वगैरह में यूज़ करता हूँ 2-3 घंटे यहाँ पे बैठ जाता हूँ या 1 घंटा जो भी जैसे भी टाइम रहता है। तो अभी तो तकरीबन हुए हैं 4:30-5 हुए होंगे, तो 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है तो अभी बहुत टाइम है। तो अपना यहाँ पे बैठ के एंजॉय करूँगा फूड और साथ में जो है कुछ
इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाएंगे। तो ये बनाया हुआ बच्चों के लिए खेलने के लिए, बट ये नहीं पता कि ये फ्री है या चार्जेबल है, ये आइडिया नहीं है। तो ये है गाइस जो लॉन्च की मैं बात कर रहा था नीचे से। अब ये पूछते हैं कि क्या ऑफ़र है, कौन सा कार्ड एक्सेप्टेबल है, और इसकी ना ख़ास बात ये है कि आप यहाँ पे आराम से अपना सिटिंग वगैरह आप ले सकते हो, और अगर आपके पास कार्ड्स के बने हुए हैं तो। तो यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। ये ना बोर्ड में अभी आ रहे थे कि कौन कौन से कार्ड जो है इसमें एक्सेप्टेबल है। हाँ जी, तो लॉन्च में मैंने सर्विसेज यूज़ कर ली थी, मेरा सिर्फ लगे 2 रुपये, और मैंने इंडसइंड बैंक का कार्ड यूज़ किया था। मेरे पास इंडसइंड बैंक का लेजेंड कार्ड था जो कि 2 रुपये चार्ज लगे थे, और मैंने उस लॉन्च को एक्सेस कर लिया था। अभी मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 7 पे, और 7 बजे की फ़्लाइट है, 6:25 हो गए हैं। वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, इस वजह से जो है ज़्यादा शूट वहाँ पे हो नहीं पाया। और अभी आपको मैं इसका दिखा देता हूँ कि जिस रूट से मैं जा रहा हूँ ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मैं डेटा ट्रांसफ़र वगैरह कर रहा था इस वजह से। बट अभी यहाँ पे ज़्यादा इतना रश नहीं है, बट मेरे को गेट नंबर 7 पे जाना है, और अभी गेट नंबर 3 आया है, सॉरी गेट नंबर 1 आया है।
हाँ जी गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे, और इसके बाद मेरी जो है कनेक्टिंग फ्लाइट है जो 3:55 पे है, और अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है, और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:15। तो मैंने जो नेक्स्ट फ्लाइट लेनी है वो तकरीबन 4 बजे के आसपास की है, और 2:45 पे बोर्डिंग टाइम उसका जो है वो शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी सारा मेरे पास टाइम है, तो यहाँ पे कुछ लॉन्च वगैरह होंगे तो वहाँ रेस्ट कर लूँगा, और नहीं होंगे तो फिर जो लॉबी वगैरह होगी वहाँ पे जो है वहाँ पे रेस्ट कर लूँगा मैं। और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगी यहाँ पे, तो अभी जो मेरा लगेज वगैरह था वो डायरेक्टली मेरे को जो है वो ज़ूरिक में मिलेगा, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ हैंड बैग है, तो मेरे को अभी कोई लगेज वगैरह की वो टेंशन नहीं है। जो ज़ूरिक वगैरह में जब मैं पहुँचूँगा तो वहाँ पे मेरे को सारा लगेज वगैरह मिलेगा। तो यहाँ का आप एयरपोर्ट वगैरह जो है वो देख सकते हो, काफ़ी बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये जो है सारी टर्किश एयरलाइंस की ही फ़्लाइट्स वगैरह खड़ी हैं, तो जो मेरे आने की जो फ़्लाइट थी वो इंडिगो इंडिगो की फ़्लाइट थी, और जो अभी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो टर्किश एयरलाइंस की है। तो मैंने वैसे ना विंडो सीट पहले से बुक कर ली थी पेड ना करा करके, क्योंकि कई बार चांसेस, मतलब अभी भी फ़्लाइट पूरी फुल थी, एक भी सीट खाली नहीं थी इंडिगो में। और लकीली मेरे को जो है ना, मतलब कि इस्तांबुल से जो ज़ूरिक की थी उसकी भी पेड अपना लेनी पड़ रही थी, बट उस टाइम पे ऑप्शन आ नहीं रहा था, तो मैंने ये दिल्ली एयरपोर्ट पे आकर के उनको बोला कि मैंने तो ऑलरेडी पे किया हुआ है ज़ूरिक तक का। तो उन्होंने जब चेक किया तो मेरी जो इस्तांबुल से ज़ूरिक की फ़्लाइट है वो भी मेरी विंडो सीट ही मिल गई मेरे को। तो ना अभी मैं पहुँच गया हूँ अराइवल्स पे, और अराइवल्स के बाद फिर मैं यहाँ पे जो भी ड्यूटी फ्री अपना शॉप्स वगैरह होंगी वो कवर अप करूँगा, वो आपको दिखा दूँगा कि क्या क्या रेट है और ड्यूटी फ्री का शॉप्स का, और कोई अच्छी शॉप लगेगी तो वो भी इस वीडियो में दिखा दूँगा मैं आपको, और अगर कोई लॉन्च एक्सेस मिल सकता है, कौन सा कार्ड आप यूज़ कर सकते हो वो भी मैं बता दूँगा इसके अंदर। तो गाइज़ ये इस टाइप का इतना बढ़िया और इतना बड़ा जो है टर्की का एयरपोर्ट बना हुआ है, और ये जो है ना पासपोर्ट कंट्रोल है, जो भी मतलब कि टर्की घूमने आ रहे हैं उनके लिए है। लेकिन मेरे को कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, तो मेरे को ना बैगेज क्लेम करना है यहाँ पे, और ना मेरे को टर्की में एंट्री लेनी है, तो मेरे को इस सेक्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं सीधा अराइवल में आया हूँ। अब मैं जो है यहाँ से डिपार्चर पे जाऊँगा, जहाँ से मैं इस्तांबुल से ज़ूरिक की जो है मैं फ़्लाइट जो है वो लूँगा। ये उनके लिए लाइंस है जिनका इस्तांबुल का जो है वीज़ा वगैरह लगा हुआ है, और जिनका शेंगन का वीज़ा लगा है वो वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। सामने जो है ना ऑप्शन ये इन्होंने दिया हुआ है वीज़ा करने का, तो इनसे मैं पूछ लेता हूँ एक बार जा करके कि अगर यहाँ पे कोई आता है और वीज़ा अप्लाई करता है तो उनको भी वीज़ा वगैरह दे देते हैं या नहीं देते हैं, जो भी सीन है मैं एक बार पूछ के आपको जो है वो बताता हूँ उनसे। सो गाइस, यहाँ पे जो है ना वीज़ा सेंटर बना हुआ है इस्तांबुल के जो है एयरपोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हो, अगर आप इन सिटीजन इन इन कंट्री के जो अगर आप सिटीजन हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और ई वीज़ा के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और ओनली कैश ये लेते हैं फॉर वीज़ा फ़ी के लिए। तो आप ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और अगर आपके पास ई वीज़ा नहीं है तो आपको ई वीज़ा जो है अलग से लेना पड़ेगा ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके, और अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आपको 1 से 2 दिन में भी मिल जाता है, और कईयों को तो
4-5 घंटे में भी रिसीव हुआ हुआ है इस्तांबुल का वीज़ा। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास शेंगन का वीज़ा तो आपको जो इस्तांबुल का वीज़ा है वो 3,000 में मिलेगा। अगर आपके पास शेंगन का वीज़ा नहीं है तो आपको 20,000 रुपीज़ उसके लिए पे करने पड़ेंगे, और आपको जो है उसके लिए स्टिकर वीज़ा मिलेगा, और ई वीज़ा के लिए आपको सिर्फ 3,000 देने, जिसमें आपको जो है आपकी ईमेल के ऊपर जो है वीज़ा आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट वगैरह लेकर के आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी गाइज मैं जा रहा हूँ यहाँ के लॉन्च में, वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कार्ड एक्सेप्टेबल है और किस टाइप के जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियो अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी वीज़ा काउंटर थे, पहले मैंने उनसे पूछा है, परमिशन लिए कि मैं वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं, तो अगर जब उन्होंने मतलब परमिशन दी है तभी मैंने बनाया है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना गाइस, जो भी आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हो, तो जो मेरे पास नॉलेज होगी वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। आपका ना थोड़ा सा हिसाब डिफरेंट था, मैं लॉन्च वगैरह देखता था, बट लॉन्च से पहले ना इंटरनेशनल जो हमारा ट्रांसफ़र होना था वहाँ पे जाना था, और उसके बाद वहाँ पे मेरा पूरा बैगेज वगैरह मतलब जो भी थे जितने भी थे सबका बैगेज वगैरह क्लियर हुआ, मतलब रीचेकिंग हुआ, और उसके बाद मैं अपना मतलब इमिग्रेशन वाला स्मूथ था, मतलब कोई ऐसा मतलब ज़्यादा क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं पूछ रहे थे, स्मूथ था सारा कुछ। 5-10 मिनट हार्डली लगे होंगे और वो क्लियर होने के बाद में, और अब मैं आ गया हूँ इंटरनेशनल डिपार्चर पे, जहाँ से मेरे को इस्तांबुल से ज़ूरिख की जो है फ़्लाइट मिलेगी, और यहाँ पे अगर कोई लॉन्च अवेलेबल होगा तो मैं लॉन्च एक्सेस कर लूँगा, और बाकी अपना जो है यहाँ का जो व्यू है वो मैं इसमें वीडियो में कवर करूँगा। ये जो है इस्तांबुल का ना डिपार्चर है, जहाँ पे मैं आया था वो अराइवल था, तो मैं पहले अराइवल पे ही अपना देख रहा था कि शायद यहीं से ही जो है मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट मेरे को मिल जाएगी, बट मेरे को इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो है क्लियर करना था पहले, उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल डिपार्चर पे आया हूँ। यहाँ पे वैसे ही हिसाब है जैसे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर आया था, ड्यूटी फ्री अपना सारी शॉप्स वगैरह थी, एज इट इज़ ही अपना यहाँ पर हैं, और यहीं से ही अपना जो भी मेरा गेट नंबर होगा, मेरी 4 बजे की फ़्लाइट है तो 2:30 बजे जो है गेट नंबर का पता चलेगा कि कौन से गेट नंबर पे मेरे को जाना है, और उससे पहले आप देख सकते हो कि सारे यहाँ पे जो ब्रांड्स वगैरह हैं अवेलेबल हैं और ड्यूटी फ्री हैं, लेकिन प्राइसिंग वगैरह सभी के मतलब ज़्यादा ही होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत प्राइस का दिखाता हूँ परफ्यूम्स का, तो आप ये देख सकते हो इसका जो प्राइस है वो यूरो में दिया हुआ है, 109 यूरो। हालांकि यहाँ की जो करेंसी है वो लीरा है, बट यहाँ पे आप ये देखोगे प्राइस तो ये 7 ब्रांड्स जो भी प्रीमियम ब्रांड्स है ना, ये शनैल का भी है, शनैल का जो फ्लोरा है ना वो काफ़ी फेमस है, उसका प्राइस देखते हैं, शनैल फ्लोरा यहाँ पे ना इन्होंने प्राइसिंग वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है। तो आप ना मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि जो ये प्राइसिंग है इन्होंने लगा रखी है यूरो में, ये मतलब सही है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग लग रही है, 300-300, 200-200 यूरो का जो है परफ्यूम यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे तो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो पेरिस और ये स्विस से ही बेस्ड हैं,
बट मेरे को अभी तक कोई ऐसा परफ्यूम या कोई ऐसा ब्रांड नहीं मिला है जिसकी प्राइजिंग जो है ना वो अफोर्डेबल हो सभी लोगों के लिए। लेने के लिए तो लोग 500-500 1000-1000 यूरो का भी परफ्यूम ले लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है उनके लिए। ये आप देख सकते हो 29 यूरो का है, मतलब इंडिया के हिसाब से आप 89-90 कन्वर्ट कर लेना। अगर आप कैश में दोगे तो 91, अगर आप कार्ड से करोगे तो 89-90 के हिसाब से पैसे कटेंगे। तो ये ना सारे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे प्रीमियम ब्रांड्स इसी के अंदर, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सारी जगह परफ्यूम परफ्यूम्स ही हैं, आफ्टर सन। तो ये इस्तांबुल का जो है ना, ये मिल रहा है 2.5 यूरोस का। ये वाले सारे मैग्नेट्स, फ्रिज मैग्नेट्स जो है वो मिल रहे हैं, और इस पे ये है कि अगर आप तीन लेते हो तो एक फ्री है, तो एक का जो कॉस्टिंग है तो 2.5 यूरो, और 7.5 यूरो के आप लेंगे तो आपको 4 मिलेंगे 7.5 यूरो के। और ये ना यहाँ के कुछ वो हैं डेजर्ट्स हैं, इसके अंदर भी आपका बाय वन एंड सेकंड पे आपका जो है 50% ऑफ मिलेगा। मतलब जो आपको पहला बॉक्स जो लेना है वो आपको इनके रेट पे लेना पड़ेगा, और जो सेकंड बॉक्स होगा उसके ऊपर 50% ऑफ होगा, बट इन्होंने रेट कहीं नहीं लिखा हुआ। ये एक इसके ऊपर रेट डाल रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पिस्ता की जो है ये बनी हुई है इस टाइप की, और ये जो है 37 यूरो के आसपास की है। एक ये है टर्किश, ये है 14 यूरो। और उसके बाद आ जाता है जी अल्कोहल। अल्कोहल के आप देख सकते हो रेट जो है, ये भी सब यूरो में लिखा हुआ है, कोई जो है ना लीरा का नहीं है इसका। जहाँ तक मेरे को रीज़न समझ में आया वो ये है कि जो यहाँ से ट्रांजिट करते हैं उनके पास मोस्टली जो है यूरो स्विस फ्रैंक्स वगैरह ही होते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं जो पेरिस को जा रही हैं, या स्विट्ज़रलैंड जा रही हैं, या जर्मनी जा रही हैं, स्पेन जा रही हैं। तो यूरो का बस ये रेट हो सकता है, बाकी ये भी हो सकता है कि यूरो जैसे यहाँ की करेंसी जो लीरा है वो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 3-3.5 रुपये पड़ती है, और यूरो में अगर ये बेचते हैं तो उनको थोड़ा सा अपना प्राइसिंग का फ़र्क आता है उसके अंदर, इनको कॉस्टिंग ज़्यादा मिलती होगी। तो आप ये भी देख सकते हो जो छोटी छोटी बॉटल्स जो हैं ऊपर हुई हैं, यह है 4.5 यूरो। जितनी आप ज़्यादा लोगे, तीन लोगे तो 8.5 यूरो की पड़ेगी आपको। और ये आ गए जो गॉगल्स, अगर आप गॉगल्स के फैन हैं तो मैं आपको प्राइस बता दूं। ये जो गॉगल्स है वो 319 यूरो का है। Gracias.
चॉकलेट्स का भी आपको मैं रेट बताऊँ तो ये आप देख सकते हो किट कैट जो है 17 यूरो लगभग मिल रही है, 16.90, तो 70 यूरो के आसपास ही है। स्टोर तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारा अपना आइटम्स मेरे को दिख रही हैं, लेकिन प्राइसिंग जो है ना वो जो है हाई है। अब ये देखो ये 4 का सेट है और 32 यूरो ड्राइड जो फ्रूट ड्राई फ्रूट जो होते हैं। तो गाइस बस ये वाली शॉप्स में तो यही था, बाकी और कोई शॉप्स मेरे को दिखेंगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये 10 यूरो के आसपास है, लगभग मान के चलो 11 यूरो लगभग 1000 रुपये के आसपास का। गाइस यहाँ पे दिखा रहा है बिजनेस लॉन्च है, तो वहाँ चल के देखते हैं। बिजनेस लॉन्च में मेरा जो कार्ड है यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वही पता चल जाएगा। तो अगर हुआ तो यहाँ पे मैं जो है टर्किश फूड जो है ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो रेट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा यूरो में लगा रखे हैं। मैं वैसे ना कुछ अपना सामान लेके आया हुआ था ट्रैवलिंग पे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मैंने जब रेट्स वगैरह मतलब ऑनलाइन में चेक कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा थे, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं कुछ ट्राई नहीं करूँगा। तो जो भी अपना बढ़िया होगा खाना जो मेरे पसंद का होगा ज़रूर मैं ट्राई करूँगा। एक्सक्यूज मी मैम, वेयर इज द बिजनेस लॉन्च? अपस्टेयर्स। एक्सक्यूज मी मैम, वेयर इज द बिजनेस लॉन्च? सो आई नीड टू स्कैन द बोर्डिंग पास। ये ना लेगा नहीं मेरा बोर्डिंग पास, क्योंकि ना इसकी प्रिंटिंग जो है काफ़ी हल्की हो रखी है, तो मेरे को मोबाइल से करना पड़ेगा। तो जी यहाँ पे तो एंट्री नहीं हुई है क्योंकि ना ये बिज़नेस लॉन्च है और इनका सिर्फ और सिर्फ जो बिज़नेस क्लास जिनकी टिकट है उनके लिए ही एंट्री है। तो इन्होंने ना एक और लॉन्च बताया है कि उस लॉन्च में जा कर के आप प्रायोरिटी पास जो है अपना के साथ में एक्सेस कर सकते हो लॉन्च को, तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं अभी। वहाँ पे जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का जो है लॉन्च बना हुआ है आई गया मेरे ख्याल से। और एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, अभी मेरे पास ना मतलब टाइम बहुत ज़्यादा है, मेरी 4 बजे की फ़्लाइट है और अभी जो टाइम हो रहा है ना 12:30 का टाइम है, और अगर मैं 2 घंटे भी लॉन्च यूज़ करता हूँ तो 2:30 बजे के आसपास मैं फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपना फ्लाइट का चेक इन वगैरह जो है वो कर सकता हूं। तो यहां के मैं आपको रेट और दिखाता हूं। सो गाइस यहां पे ना एक लॉन्ज है, अगर आपके पास बिजनेस क्लास टिकट है तो आप ना बिजनेस क्लास लॉन्ज में जाओगे, अगर आपके पास इकोनॉमी क्लास की टिकट है तो यहाँ पे एक जो है IGA लॉन्ज है, वहाँ पे जा कर के आप जो है उसको अवेल कर सकते हो, लेकिन आपके पास ना प्रायोरिटी पास होना चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए, अदरवाइज़ इनके भी कुछ चार्जेस वगैरह जो हैं वो होते हैं। तो मेरे पास तो प्रायोरिटी पास हैं 2, तो वो मैंने सिंगापुर में भी जो है वो यूज़ किया था। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि अगर यूज़ होता है और उसके बाद फिर क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा।
ये मिल गया जी मेरे को, और यहाँ पे ना फ्री वाईफाई भी दे रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी करा के देखते हैं अगर हो जाएगा तो। हाँ जी, तो मैंने ना एक्सेस तो ले लिया है इसका, बट यहाँ पे अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे ना तो सब टर्किश डिशेस वगैरह ही पड़ी हुई हैं। और मैंने इसमें वैसे स्वीट्स वगैरह अपना मैं सोच रहा हूँ ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अपना मेरे को बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। इसका जो है ना आप मतलब ट्राई कर सकते हो, काफ़ी सारे मतलब सैलेड कर्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं और पास्ता वगैरह भी है, बट वहाँ पे ना लाइन वगैरह बहुत अपना वेटिंग चल रही है। तो इस टाइप की अपना कुछ वेजिटेबल्स वगैरह बनी हुई है, और इसको राइस के साथ खाते हैं, कैसे खाते हैं, टर्किश जो ट्रेडिशनल अपना जो कह सकते हैं मेन कोर्स है ये। इसके अलावा आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, सैंडविच वगैरह पड़ी हुई थी, और एक अलग सेक्शन बना हुआ है इसका स्वीट्स वगैरह का, तो ये स्वीट्स वगैरह भी आप ले सकते हो। ये अभी मैं अपना ट्राई करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं मेरे को। और ना इस जो ये वाला जो IGA लॉन्च है ना, इसके अंदर आप मतलब कि 2 घंटे के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 2 घंटे का वाईफाई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपका पासपोर्ट की कॉपी मतलब स्कैन करके आपको एक कोड मिल जाएगा, तो उस कोड से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। बाकी अपना यहाँ पे काउचेज़ वगैरह सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और कॉफ़ी वगैरह अलग अलग, कैपेचिनो लेनी है या एक्सप्रेसो कॉफ़ी अपना लेनी है तो वो आप अपना यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा ना यहाँ पे एक मतलब कि कंप्यूटर डेस्क भी बने हुए हैं, अगर आपको मतलब कोई कंप्यूटर आपके पास नहीं है, अगर आपको कोई मेल करनी है या कोई डॉक्यूमेंट अपना पेन ड्राइव में लेना है या कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। और अपना यहाँ पे शॉवर फैसिलिटी भी दी हुई है, प्रेयर रूम भी बना रखा है यहाँ पे, और रेस्ट रूम्स वगैरह भी अपना है यहाँ पे, आप उसको अपना जो है यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे अपना है, हेड मसाज का भी इसके अंदर बाहर ऑप्शन लिखा हुआ था, अगर आप हेड मसाज कराना चाहो तो हेड मसाज भी करा सकते हो। और पूल टेबल भी दिया गया है, अपना बार वगैरह दिया था, तो बार वगैरह तो जो था ना मेरे ख्याल से पेड था, तो मैंने यहाँ पे मतलब कि पूछा नहीं भाई क्या चार्जेस वगैरह अपना है उनके। बाकी आप ये सारा अपना लॉबी देख सकते हो, यहाँ पे मतलब जो भी आप अपना ऑफिशियल काम करना चाहो ऑफिशियल काम कर सकते हो। और बैक साइड पे ना बिल्कुल एंड पे यहाँ पे अपना कंप्यूटर्स वगैरह लगा रखे हैं, और यहाँ पे अपना कंप्यूटर्स आप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट वगैरह कनेक्टेड है, अगर आपको कोई भी अपना यहाँ से कोई भी ऑफिशियल काम करना हो कर सकते हो। और ये मेन लॉबी है जहाँ पे अपना एक तरीके का फूड कोर्ट कह लो या शॉपिंग की जो शॉप्स बनी हुई हैं वो ये वाली बनी है। बाकी अपना एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और बहुत मतलब कि स्पेशियस है, और इस टाइप के अपना जो सेपरेट बना हुआ है अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और जो फ्रंट साइड में है ना वो सारा फूड वाला सिस्टम बना हुआ है, जो भी अपने आपको फूड इंजॉय करना है वो आप आगे अपना फूड इंजॉय कर सकते हो। और एक दो पोर्शन है मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों अपना बने हुए हैं, तो पूरा अपना भरा हुआ है, अपना जगह जहाँ पे मिले वहाँ पे बैठ जाओ, कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला हिसाब किताब है।
तो जी फ्लाइट पहुंच गए स्विट्जरलैंड। बाकी का ब्लॉग जो है अगले ब्लॉग में आप देखेंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।